Assalamualaikum guys, आपकी खिदमत में फ़ार वंस अगेन। और आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं, एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है फोर्ट ऑगस्टस, ठीक है। और इसके साथ ही ये कैल्डोनियन कनाल है जिसके मनाज़र आप देख रहे हैं। यहाँ से शिप्स जो जाते हैं, जो मैंने आपको एक कैसल विज़िट करवाया था, ये डिफरेंट कैसल में यहाँ से शिप जाते हैं। छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, उन आइलैंड में ये शिप्स यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत एक छोटा सा विलेज है जी, और जिसकी जो है पॉपुलेशन वो 2001 के मुताबिक 700 थी। ये टूरिज़म होता है यहाँ पे, इस एरिया में ज़्यादातर तो टूरिस्ट ही आते हैं यहाँ पे। ये है जी फोर्ट ऑगस्टस, जो कि आजकल इसको एक होटल और एक रेस्टोरेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। 1993 के पहले ये यंग बॉयज़ का स्कूल हुआ करता था। तो बहुत खूबसूरत जगह है जी ये, बहुत दिलकश नज़ारे ये नज़र आते हैं यहाँ से। इसके सामने एक लेक भी है, और यहाँ पे लोग आके सेल्फ कैटरिंग करते हैं। बेसिकली सेल्फ कैटरिंग के नाम पे लोग यहाँ पर आते हैं, सेल्फ कैटरिंग करते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं और अपना डे स्पेंड करते हैं। ये है जी, ये बिल्कुल जो है ये छोटा सा बाज़ार है, बाज़ार के कॉर्नर पे ये एक उन्होंने जगह रखी है बैठने के लिए। और ये कैल्डोनियन कनाल की जो एंट्रेंस है, बाज़ार से जो एंटर होते हैं कैल्डोनियन कनाल पे। कनाल अर्ली 19th सेंचुरी में बनाया गया। ये 100 किलोमीटर पे फैला हुआ है और 106 फीट अबव द सी लेवल है जी ये। इस कनाल बहुत लंबी है, ये जो कनाल है जी ये बहुत लंबी है। ये फोर्ट विलियम से इनवरनेस तक ये चलती है जी। अगर गाड़ी में सफ़र करें तो 1 घंटा 47 मिनट, और इसकी जो इसको माइल्स में काउंट करें तो 66 माइल्स बनते हैं, इतनी लंबी है ये कनाल। ये कनाल जहाँ से गुजरती है, रास्ते में बहुत खूबसूरत विलेजेस, टाउन, लॉक्स, कंट्री साइड, प्रोवाइडिंग अ ब्यूटीफुल सीनरीज, और विजिटर इसको बहुत एंजॉय करते हैं। कैल्डोनियन कनाल को ओपन किया गया 1822 में, और इसके इंजीनियर का नाम था थॉमस टेलफोर्ड। इस कनाल में जो है वो लॉक ओइक, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया है लॉक ओइक के नाम पे, लॉकनेस और लॉक डॉगफोर्ड और लोई, ये जो है इसमें शामिल है। इस कनाल को जो जोड़े हुए हैं वो जो गेट लॉक्स होते हैं वो 29 लॉक्स हैं जी, जो इनको इस इन सब कनाल्स को जोड़े हुए हैं। इनके बिटवीन इन बिटवीन 29 लॉक्स हैं। आपका पैशन अगर फिशिंग है, आपका पैशन अगर बोट राइडिंग है, अगर आपका पैशन वॉक
करना है इसके इर्द गिर्द। अगर आपका पैशन है रनिंग, इसका अगर आपका पैशन है साइकिलिंग, अगर आपका कुछ भी जो नेचर से रिलेटेड पैशन है, वो सब चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करता है कैलिडोनियन कनाल। और इधर साइड पे एक बाज़ार है, खाने की जगह, खाने की चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं, जो भी आप चाहें, फास्ट फूड और रेस्टोरेंट और शॉप्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त जगह है। और बेसिकली सुबह के टाइम, ये मैं वहाँ पे शाम के टाइम पहुँचा, लेकिन अगर आप डे के टाइम चाहें, और ये एक वेल जो है वो पॉपुलेटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि मैं इसको पास बाय किया जब मैं वापस आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल देखे जो यहाँ पे आए हुए थे। काफ़ी बिजी प्लेस है, क्योंकि 4-5 बजे के बाद बोट का वो भी सेशन भी ख़त्म हो जाता है, 4-5 बजे तक होता है, उसके बाद आप यहाँ से बोट भी ले सकते हैं। जो गई हुई हैं वो ऑलरेडी वापस आ रही होती हैं, वो 5 बजे इनका क्लोजिंग टाइम है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी खामोशी का एहसास शुरू होना शुरू हो जाएगा, जैसे टाइम थम सा गया है, एक अपने आप को इंसान टाइम देना शुरू कर देता है। शामें यहाँ की बड़ी ज़बरदस्त है, शामें, शामों का अपना मज़ा यहाँ। ग्लासगो से अगर ट्रैवल करें तो इसका सफ़र जो है वो अगर आप स्टे के बगैर जाएं तो 3 घंटे 45 मिनट्स है। अगर आप स्टे करके जाएं तो 6 घंटे कम से कम आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये कंट्री साइड रोड है और बहुत बेहतरीन नज़ारे रास्ते में भी आपको मिलेंगे। ग्लेनको भी विलेज बहुत प्यारा विलेज है, वो भी रास्ते में मिलेगा।